ऑल राइट तो मूवी की स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमे हसबेंड का नाम होता है जेरी लीन उसके साथ उसकी वाइफ और दो बेटियाँ होती हैं। Jerry basically है जेरी बेसिकली एक रिटायर्ड सी आई ए ऑफिसर है जेरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहे होते हैं लेकिन रास्ते में ही ये सब एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं ये अपनी गाड़ी से उतरते हैं देखने के लिए कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक जैम क्यों है और तभी उसी वक्त उस शहर में जोम्बिस का एक बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है ये जोम्बिस अपने रास्ते में आने वाले सब लोगों पर अटैक करने लगे हैं और सबको काट कर गिरा रहे होते हैं जेरी यहाँ पर एक खास बात ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी कोई जॉम्बी किसी नॉर्मल इंसान को काट रहा है तो वो इंसान पंद्रह ही सेकंड में खुद भी जोम्बी बन जाता है और ये जॉम्बी वायरस बहुत स्पीड से फैल रहा है खैर किसी तरह अपनी जान बचा कर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाते हैं अभी ये रास्ते में ही होते हैं जेरी को उनके एक दोस्त की कॉल आती है बेसिकली ये दोस्त भी सी का ही हिस्सा है जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को रेस्क्यू करवा सके और अब जेरी

भी जोम्बी बन जाएगा इसलिए जेरी उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है यानी कि वो सुसाइड करना चाहता है वो नहीं चाहता था कि वो जॉम्बी बने और उसकी वजह से उसकी फैमिली या दूसरे लोगों को भी किसी भी किस्म का हार्म पहुंचे लेकिन पंद्रह सेकंड से ज्यादा वक्त गुजर चुका होता है और वो जॉम्बी नहीं बना होता तो उसको आइडिया होता है की सिर्फ लिक्विड मुह में जाने से यानी वो ब्लड मुह में जाने से कोई भी जोम्बी नहीं बनेगा और जेरी यहाँ पे एक मेंटली सेटिस्फेक्शन दिखाता है और उतनी ही देर में उनकी छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है है जो कि इसके दोस्त ने भेजा होता है और इस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फौजी जेरी और उसकी फैमिली को जोबिस से बचाते हुए अपनी हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक सेफ जगह पर ले आते हैं यहाँ पर जेरी अपने उस दोस्त से भी मिलते हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की होती है ये दोस्त बताते हैं कि इनकी ये इन्फेक्शन तकरीबन हर जगह पर फैल चुका है तमाम मुल्कों में तमाम कंट्रीज इसको रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है लोगों को खाने पीने की शॉर्टेजेस हो रही है और सब कंट्रीज की ट्रांसपोर्टेशन भी डैमेज है जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स रेलवे और रोड्स भी बंद हैं। इनके दोस्त ये भी बताते हैं कि तुम्हें डॉक्टर फैसबैक से मिलना होगा क्योंकि ये डॉक्टर जोबी वायरस पे काफी अरसे से रिसर्च कर रहे हैं और ये यकीन कोई ना कोई सोल्यूशन का निकाल लेंगे इसके अलावा ये भी बताया जाता है की ये वायरस इनिशियली कोरिया में फैला था और हमें उसके मुतिक एक ई भी रिसीव हुई थी लेकिन उसके बाद हमने उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन हमें उसमें सक्सेस नहीं मिल सकी और अगर हमें ये पता चल जाए कि यह वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था इसकी शुरुआत कैसे हुई थी तो शायद हम इस वायरस को रोक सके इसकी कोई वैक्सीन बना सके और इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है जैसे ही ये सब साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो वहाँ के इन्फेक्टेड जोम्बिज इन पर अटैक कर देते हैं ये इनका बहुत मुकाबला भी करते हैं और, और काफी जॉम्बिस को मार डालते हैं लेकिन डॉक्टर फैसबैक जो हमेशा से लैब में ही रहे थे वो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वो फोरन प्लेन में वापस अंदर भागते हैं लेकिन उनका पांव फिसल जाता है और एक्सीडेंटली वहां पर मौजूद गन से एक फायर होता है और उसी फायर से एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है अब डॉक्टर तो मर चुके हैं लेकिन जेरी अपनी बची कुची टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं जहां से बेसिकली ये केस पहली दफा फैला था यानी कि जहां से जोम्बी वायरस स्टार्ट हुआ था वहां पर एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि ये जो लाश तुम देख रहे हो ये जो डेड बॉडी तुम्हारे सामने है ये इस जोम्बी वायरस का सबसे पहला विक्टम था जेरी उस ऑफिसर से पूछते हैं कि इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये पहली बना। लेकिन वो ऑफिसर इसके बारे में कुछ अपने मुल्क के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है क्यूँकी इसराइल पहले से जानता था कि ये अटैक होने वाला है उसको यह खबर पहले से ही थी और इस सबके पीछे इसराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसके अलावा तुम्हें और भी जवाब चाहिए तो तुम इसराइल के शहर जेरोसलम में जाकर एक आदमी से मिलो वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा तुम्हारे सारे क्वेश्चन दे अब जेरी जेरूसलम पहुंच जाते हैं और उस आदमी से मिलते हैं लेकिन वो आदमी जेरी को कोई क्लियर आंसर नहीं देता और इनकी बातों के दरमियान वहाँ के कुछ लोकल लोग अपना एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं जिसमे वो गाना गा रहे होते हैं शोर शराबा कर रहे होते हैं जेरी उन सबको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि जहाँ पर शोर होता है जोबीज उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ आने लग जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लोग थे तो इसकी बात पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता और उसी वक्त बहुत से जोम्बिस उस दीवार की तरफ पड़ने लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार को फैलांगने लगते हैं अभी तक तो इसराइल उस दीवार की वजह से सेफ था लेकिन अब वो जोम्बिस उस दीवार के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जोम्बिज बनते जा रहे थे लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात हम देखते हैं कि सब इन्फेक्टेड होने वाले लोग यानी कि जो अब जोम्बिस बन चुके हैं वो बहुत से लोगों पर अटैक तो कर रहे थे लेकिन बहुत से लोगों को वो छोड़ भी रहे थे यानी कि कुछ लोगों पर अटैक किया जा रहा था लेकिन कुछ लोगों को टच भी नहीं किया जा रहा था जेरी इस चीज को नोट करता है जो की स्टोरी में थोड़ा सा आगे रिवील होने वाली है की ये सब ऐसा क्यों हो रहा था खैर उसी वक्त वहाँ की लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को वहां से बचा लिया जाता है जेरी प्लेन में तो आकर बैठ चुका होता है लेकिन इसे अभी भी सुकून नहीं आया और वो गौर करता है यानी कि वो ऑब्जर्व करता है कि उस प्लेन के पीछे वाले पोर्शन में ये वायरस फैल रहा है यानी कि कुछ इंफेक्टेड लोग उस प्लेन में भी मौजूद हैं और वो एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं और ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा है ये सब लोग अपना लगेज जहाज के दरम्यान वाले हिस्से में रख देते हैं ताकि उन जोम्बिस को ये सब लोग नजर ना आए लेकिन बाई मिस्टेक एक आदमी से अपना लगेज गिर जाता है जिसकी वजह से शोर होता है और जोम्बिस अट्रैक्ट तो हुआ करते हैं और सब जॉम्बिस इन सब पर अटैक करने लगते हैं जेरी और बाकी लोग बहुत बचने की कोशिश करते हैं लेकिन एक वक्त आ जाता है की जेरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ग्रेनेड निकाल कर उस प्लेन में फेंक देता है क्योंकि ये प्लेन उड़ रहा होता है तो प्लेन में बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से इनका जहाज क्रैश हो जाता है इस पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ दो लोग ही बचते हैं एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिनका नाम सेकंड है ये दोनों काफी जख्मी तो हो चुके होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से ये दोनों डब्ल्यू की रिसर्च फैसिलिटी में आते हैं जेरी को यहाँ पर फर्स्ट एड दी जाती है और डब्ल्यू के डॉक्टर्स के पूछने पर जेरी बताता है की बेसिकली मेरे यहाँ आने का पर्पज है की मैं एक वैक्सीन हासिल कर सकू ताकि इस वायरस को रोका जा सके जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो लेकिन जानलेवा ना हो क्यूँकी मैंने एक बात नोटिस की थी की जब भी इन्फेक्टेड जोबीज दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं उन्हें बिल्कुल ही अनदिखा कर देते हैं क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी में मुब्तला थे यानी की जो लोग जोम्बी नहीं थे उनको पहले ही कोई ना कोई बड़ी डिजीज थी और इसीलिए जोम्बी उन लोगों को छोड़ देते थे क्योंकि जोम्बी सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्ट करते हैं सिर्फ हेल्दी लोगों को ही काटते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं ये जोम्बी स्मार्ट हैं ये पहले से ही बीमार हुए शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं अब बेसिकली ये सब लोग डॉक्टर्स होते हैं तो वो उसे कहते हैं की हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूफ करने के लिए एक प्रूफ चाहिए हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते जैसे कि हम में से कोई एक आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट कर कर उन के सामने जाए और अगर वो जोम्बिस पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है खैर जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ पर पड़ी हुई थी वो उस फैसिलिटी के उस पोर्शन में थी जहाँ पर सब लोग जोम्बिस बन चुके थे तो ये सब लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन हासिल करने के लिए उस पोर्शन में जाते हैं इसी वजह से यहाँ पर शोर होता है और सब जोबीज इन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं जेरी के कुछ साथी वहां से भाग अपनी जान तो बचा लेते हैं लेकिन जेरी अभी भी उसी पोर्शन के अंदर होता है वो बहुत से जोबीज से है और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा एक थोड़ी सी सेफ जगह पर आ जाता है और वहीं पर वो सारी बैक्टीरिया वैक्सीन पड़ी होती हैं वो वैक्सीन उठाकर बाहर आने ही लगते हैं कि गेट के बाहर एक और जोम्बी आ जाता है और जेरी डिसाइड करते हैं कि उसे खुद ही ये वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट करनी होंगी इस बैक्टेरिया वैक्सीन को जेरी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं और अब अनजाने में ही सही लेकिन जेरी का ये काम कर जाता है और वो सामने खड़ा हुआ जेरी पर बिल्कुल अटैक नहीं करता क्योंकि जेरी अब हो चुका था और ये किसी भी ऐसे इंसान पर अटैक नहीं करते जिसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टेरियाज हो या उसके अंदर डिजीजेज हों वो किसी बीमारी में हो जेरी जोम्बिस के दरमियान से निकलता हुआ वो सब वैक्सीन लाकर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को दे देते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया है यानी कि उनके पास अब इस जोम्बी वायरस का क्योर है इसके अलावा जेरी कुछ वैक्सीन लेके अपनी फैमिली के पास जाते हैं और उनको वो वैक्सीन देते हैं और अपने उस दोस्त को भी देते हैं जिसने इनकी जान बचाई होती है मूवी के शुरू में हेलीकॉप्टर भेज ताकि इस पर मजीद रिसर्च की जा सके और इस वैक्सीन को बढ़ाया जा सके और सब लोगों में दी जा सके और यहीं पर यह मूवी भी एंड हो जाती है थैंक यू सो मच